अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम साकिब फ्राम शेखू प्रोडक्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सैयद अली शाह गिलानी के बारे में है। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। कब आओगे? जब सब मर जाएंगे तब आओगे। 195 दिन हो गए हैं कर्फ्यू लगे हुए, कश्मीर के लोगों को कोई पूछने वाला नहीं कितने लोग जिंदा हैं कितने लोग मर गए। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी बहुत बीमार हैं। कल रात सोशल मीडिया पर सैयद अली शाह गिलानी के बारे में एक वीडियो वायरल हो रही है। उस वीडियो में वो अल्लाह पाक का जिक्र कर रहे हैं और उनके मरने की खबरें बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी 29 सितंबर 1929 को पैदा हुए। वो जम्मू कश्मीर असम्बली के MLA भी रह चुके हैं। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी की नेशनैलिटी इंडिया की है। सैयद अली शाह गिलानी बंडीपुरा के रहने वाले हैं। उन्होंने सपोर से तलीम हासिल की और आखिरी तलीम ओरिएंटेड कॉलेज रोहोल से हासिल की। उनके बड़े बेटे का नाम नईम है। वो पहले पाकिस्तान में रहते थे, बाद में वो 2010 में इंडिया में चले गए। उनके दूसरे बेटे का नाम जहूर है। वो न्यू दिल्ली में रहते हैं। वो इंडिया की एक एयरलाइन में जॉब करते हैं। उनकी बेटी का नाम फरहत है जो जद्दा में गवर्नमेंट टीचर के तौर पर काम करती हैं। उनका एक और बेटा है जो इंडिया में तलीम हासिल कर रहा है।